जो सामान 600 वाला है वो सामान का 4 गुना हम ज़्यादा देंगे, मतलब कि 6, 6, 12, 6, 13, 2400 रुपये का सामान देंगे आपको, 2 ग्राम का भी फर्क आ गया तो, ठीक है। हेलो दोस्तों, चलो घूमे दुनिया में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से गोलू भाई की शॉप में, पीली कोठी के अंदर मिठाई पुल के ऊपर। गोलू भाई को आपने बहुत प्यार दिया है और गोलू भाई की शॉप के अंदर जितने भी कस्टमर आए हैं उनको इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया और बहुत अच्छे से अच्छा सामान पिछली बार भी दिया। दोबारा एक बार गोलू भाई की शॉप पे आए हैं गोलू भाई से कुछ ना कुछ नई जानकारी के लिए। गर्मियों में क्या है गोलू भाई के हाल, अब कस्टमर कैसे है, गर्मियों में कस्टमर कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं, ये गोलू भाई से जानेंगे। तो गोलू भाई, गर्मियों के अंदर कस्टमर कैसे आ रहे हैं आपके पास? सर, आपकी जब वीडियो कस्टमरों ने देख के आया तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि काफ़ी कस्टमर ऐसे आ रहे थे जो कि जो रेट बताया था यूट्यूब पे वो रेट पे ले रहे थे और चीज़ बेहतरीन दे रहा था तो मेरे कस्टमर बन गए थे। जो कस्टमर यूट्यूब देख के आ रहे थे वो 2 कस्टमर और लेके आ रहे थे क्योंकि चीज़ बढ़िया दे रहा था, और एक आध कस्टमर ऐसा हो गया कि जो कि उनको पसंद नहीं आया कुछ। चलिए, ये तो सबके साथ होता है कि लगभग 10 कस्टमर अच्छे हो तो एक आधा कस्टमर अगर हल्का हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि गोलू भाई के यहाँ पर कोई भी कस्टमर आया तो वो विश्वास करके आया और उनके विश्वास पर गोलू भाई खड़े उतरे। अच्छा गोलू भाई, अभी गर्मियों में ये आपके मार्केट ये सारे सामान के रेट कुछ कम हुए हैं या फिर वही चल रहे हैं? नहीं सर, अभी थोड़ा रेट तेजी में, क्योंकि गर्मी के टाइम में जैसे मंदा हो गया ना सर, थोड़ा रेट ऊपर चढ़ गया। जैसे बादाम, कैलिफोर्निया बादाम हो गया अपना, ठीक है, 2-3 चीज़ का ऐसा रेट है कि जो कि बढ़ चुका, बाकी तो रेट वही है, ठीक है। अच्छा गोलू भाई, गर्मियों के अंदर ऐसे कौन सी ड्राई फ्रूट्स के आइटम है जो खाने से शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी या फिर अच्छा रहता है? अरे, एक मुनक्का हो गया, एक आपका एक गोन कतीरा हो गया, ठीक है, ये आपका पेट पेट ठंडे उंडे के लिए होता है, ठीक है, पाचन तंत्र के लिए होता है और पेट ठंडा होता है इससे, ठीक है। गर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही चल रही है तो लोग ड्राई फ्रूट्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ खाए जिनसे उनका पेट भी ठंडा हो, शरीर के अंदर ताकत भी आए? तो ये है सबसे पहले गोंद कतीरा, ठीक है, हाँ, इससे पेट ठंडा रहता है सर और पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और एक आपका ये मुनक्का हो गया। और ये गोंद क्या रेट आता है? ये गोंद कतीरा है सर, ये 100 रुपये की 250 ग्राम है सर, किलो में लीजिएगा तो आपको 350 रुपये किलो में लगेगा, ठीक है, गोंद कतीरा ये। उसके बाद सर एक ये मुनक्का हो गया आपका, मुनक्का भी खाना चाहिए सर, गर्मी हो या गर्मी हो या ठंडी हो, लेकिन ये बहुत बढ़िया होता है, लेकिन गर्म काफ़ी होता है, लेकिन ये है कि सर गर्मियों में काफ़ी हेल्थ के लिए बढ़िया होता है ये चीज़, ठीक है। ये मुनक्का गर्मियों में हेल्थ के लिए अच्छा होता है, है गर्म आइटम, लेकिन गर्मियों में इसलिए खाई जाती है कि इससे एनर्जी शरीर की बनी रहती है। और एक ये सर ये हो गया आपका मगज, ये मगज होते हैं खरबूज, तरबूज, कद्दू, इनको मिला के दूध में पीजिए, ठीक है, इनको मिला के दूध में पीजिएगा तो इससे भी ठंडा रहता है सर ये, ठीक है, ये भी एक नंबर चीज़ है। ये किस चीज़ के मगज है? ये कद्दू की मींगे हो गई सर। कद्दू के? हाँ जी, सीताफल का। ये आपको मार्केट, ये आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, और इन तीनों को मिला के पिया जाए? हाँ, दूध दूध में डाल के खा के पियो, बहुत बढ़िया होता है ये सब चीज़, पेट वेट ठंडा रहता है, ठंडा रहता है। और क्या आइटम है? और सर ये कि ये हो गया कैलिफोर्निया बादाम, ये रेट तो पहले 550 रुपये बताया था सर, लेकिन अभी का रेट बहुत तेज़ी में ही है। अच्छा, ये आपको 650 रुपये किलो में हमारा आ रहा है, बाकी आप आओगे हमारे पास 10-20 रुपये हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। चलिए, गोलू भाई की दुकान पे आइए और डिस्काउंट लेके जाइए, उसके लिए गोलू भाई कभी मना नहीं करते, पहले भी उन्होंने मना नहीं किया और अभी भी मना नहीं करेंगे, लेकिन चीज़ देंगे एकदम एक नंबर। और ये किसमें सर? ज़्यादा डिमांड गोल दाने का होता है, ठीक है सर, लंबे दाने का कम डिमांड होता है, गोल दाने का ज़्यादा डिमांड होता है, ये खीर में, हलवे में, लड्डू में, मिठाई में, हर चीज़ में चला जाता है, ठीक है, गोल दाने की खाने के लिए काम आता है ज़्यादातर, ठीक है, गोल दाने में आप किसी भी चीज़ में डाल दो। और वैसे भी अभी इसके बाद, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो इसके बाद जून का महीना जो है शादियों की सीज़न है, तो शादियों के सीज़न के अंदर कुछ भी मिठाई बनाई जाए, जैसे हलवा वगैरह बनाया जाए तो उसके अंदर ये सारी आइटम गोल दाने, हाँ, डल जाएगी। और ये वाली किशमिश क्या रेट आ रही है? ये सर ये अभी आ रही है 220 रुपये आगे वाली, हाँ जी, नहीं तो ये इसी का रेट था 180 रुपये किलो सर, अब रेट थोड़ा तेज़ा हो गया, आप कुछ पता नहीं है सर 10 दिन बाद क्या रेट हो जाए, अगले दिन क्या रेट हो जाए, लेकिन अभी का 220 रुपये है, बाकी आप कुछ कह नहीं सकते अभी, ठीक है, 200 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है अभी रेट। चलिए, ये तो चीज़ पहले से ही सुनी हुई है कि यहाँ पर लगभग रेट के बारे में 10 या 20 रुपये ज़्यादा कभी अप डाउन होता रहता है, लेकिन क्वालिटी बढ़िया से बढ़िया ही आती है गोलू भाई। और सर एक ये मखाने, मखाने क्या रेट आ रहा है गोलू भाई? मखाने सर पहले वीडियो में मैंने आपको 500 रुपये किलो बताया था, ठीक है, आपका रेट 400 रुपये सर। वाह रे वाह, मखाने 100 रुपये किलो के हिसाब से, 100 रुपये किलो के हिसाब से कम हो चुके हैं। हाँ जी,
ये आपका 500 रुपये के जी में था, अब ये आपको 400 रुपये के जी में होगा, ठीक है। हाँ जी, और एक ये सर पिस्ता, गिसोरी पिस्ता हो गया सर, बढ़िया पिस्ता होती है ये। अगले वीडियो में सर 1050 का भाव बताया शायद, ठीक है। और ये अभी मिलेगा आपको 950 रुपये किलो में, 950 रुपये। हाँ जी, पिस्ता किशोरी पिस्ता हो गया सर, ये बढ़िया पिस्ता है। चलिए, ये बढ़िया पिस्ता है इनके पास 950 रुपये किलो से। और गोलू भाई ये दिखाइए ज़रा, आपके पास ये मिक्स मेवा है, ये मिक्स मेवे के अंदर कौन कौन से आइटम है जी? ये देखो, ये आपका मिक्स मेवा हो गया, इसमें मैंगो शेक वाला काजू है, बादाम है, मुनक्का मिलेगा सर आपको, ठीक है। 100 रुपये किलो में खाली बादाम मिलेगा, मुनक्का मिलेगा, किशमिश मिलेगा, ठीक है। वैसे ये मुनक्का क्या रेट बताया आपने? मुनक्का सर 120 के 250 ग्राम है, ठीक है। 480 रुपये किलो, किलो किलो का सामान आपको, ये है कि एडजस्ट करके इसके अंदर दिया जाता है, ठीक है। 100 रुपये किलो में दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है जो कि एडजस्ट करके दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, 100 रुपये किलो के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐसे सारे मिक्स मेवे के अंदर दिए जा रहे हैं, यानी कि आपको एक या दो ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने, सारे तरह के ड्राई फ्रूट्स इसमें, लगभग 4 से 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन ये सारा ड्राई फ्रूट आपको 100 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। काजू का भी रेट सर थोड़ा बढ़ती में है, ठीक है। काजू अभी गर्मियों के हिसाब से थोड़ा महंगा हो रहा है, जैसे सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर कुछ ना कुछ 10-20 रुपये की कीमत बढ़ी हुई नजर आ रही है, तो काजू के अंदर भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी है। काजू क्या रेट चल रहा है गोलू भाई? सर 650, नहीं तो पहली वीडियो में मैंने आपको 600 रुपये किलो बताया, तो ये 600 रुपये किलो था, अब ये 650 रुपये किलो हो चुका है। चलिए, 10-20-50 रुपये ज़्यादा हो जा रहा है। सर अंजीर, ये सर ये छोटे दाने की अंजीर हो गई, ठीक है, ये कम रेंज का है। ये क्या रेट है? ये सर कम से कम आपको 500 रुपये किलो में मिलेगा, ठीक है। 500 रुपये किलो, हाँ जी। इसके अंदर क्वालिटी देख लीजिए आप, इसके अंदर ये पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके पास, उसके अंदर बड़ा दाना था और ये अभी छोटा दाना है, लेकिन रेट भी लगभग 700-800 रुपये किलो था और ये 500 रुपये किलो से। अंजीर, काली अंजीर आती है, ठीक है, वो पका हुआ दाना होता है लेकिन बहुत ज़्यादा काली होती है, पक जाता है धूप में, कैसे पक जाता है, उसकी रेट बहुत कम हो जाती है, वो 300 से 250 रुपये किलो में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये मिलेगा आपको 500 रुपये किलो में। और गोलू भाई, ये गर्मियों में छुहारे खाए जाते हैं? हाँ, छुहारे दूध में डाल के खाओ, उबाल के, मतलब दूध में खाना है तो सर आपका काला जाएगा, ऐसे खाना है तो आपका पीला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर होता है भाई जी केमिकल, ठीक है, केमिकल से धुल के पीला किया जाता है, जो कुदरती रंग हो गया अपना काला हो गया इसका, ठीक है। ये रहा, और ये छुहारा क्या रेट आ रहा है? छुहारे सर वही 120 रुपये किलो है। 120 रुपये किलो छुहारे का सेम ही रेट है, ये नहीं है कि आप इसको सिर्फ सर्दियों में खाएं, आप इसको गर्मियों में भी खा सकते हैं। अखरोट की गिरी क्या रेट आ रही है गोलू भाई? सर अखरोट की गिरी ये जो है मेरे पास, ये तो थोड़े हल्के में खाने में बढ़िया है, लेकिन थोड़ा ब्लैक दाना है, बाकी ये 400 रुपये किलो में है सर, ठीक है। इससे बढ़िया में जाओगे तो आपका है 600 रुपये किलो, 550 रुपये किलो में है। जो पहली वीडियो में दिखलाया था मैंने वो 500 वाला था, और जो अभी आ रही है एक वाइट दाना, एक तो ऐसे ऐसे रंग में आ रही है, ऐसे रंग में आ रही है सर आपकी 550 से 500 रुपये, ठीक है। हाँ, और ये आ रही है आपकी 400 रुपये किलो में, ये थोड़ा ब्लैक दाने में, टुकड़े में भी है, ब्लैक में भी है, इसलिए 450 रुपये। ये क्वालिटी थोड़ा सा अप और डाउन है दोनों अंदर, आप देख सकते हो रेट के अंदर क्या क्या फ़र्क है, 10-20-50 रुपये का फ़र्क है, लेकिन क्वालिटी आपको अच्छी भी मिलेगी और नॉर्मल क्वालिटी भी मिलेगी, जैसे रेट डालोगे आप वैसी चीज़ आपको मिलेगी सर, ठीक है। और उसके बाद आता है, और सर शादियों का सीज़न चल रहा है, जून जुलाई में शादियों का सीज़न है, ठीक है, तो आप हमारे पास आओ तो आपको देखिए, जो आपके घर के पास जीरा मिलता है आपको 240-280 रुपये किलो में, वो शादी का सामान जब हमसे लोगे तो आपको 100 रुपये किलो में जीरा लगेगा, और काली मिर्ची 500 से 550 रुपये किलो में है, बाकी आपको 450 रुपये काली मिर्च लगेगा, ठीक है। जो वाजिब रेट होगा मेरे पास वो मिल जाएगा शादियों के सीज़न में, ठीक है सर। हाँ, बाकी शादियों के सीज़न में बढ़ जाए कम हो जाए, लेकिन मैं आपको उसी रेट में दूंगा। लौंग जैसे हो गया आपका 950 रुपये किलो में, ऐसे जो है मैं उसके हिसाब से 50 ग्राम का ही पैसा लूँगा, 25 ग्राम का ही पैसा लूँगा, किलो के भाव से लूँगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि वीडियो में जो रेट बताए जा रहे हैं वही रेट कस्टमर यहाँ पे आएंगे तो उनको मिलेंगे। अच्छा गोलू भाई, मैं आपसे एक पर्सनली सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है, उसके अंदर लोग काफ़ी शिकायत करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वज़न के अंदर कम दिया जाता है, यहाँ पे आपने 2-3 बारी कमेंट्स भी किया है पिछली वीडियो में कि आपकी शॉप पे बिल्कुल भी कम सामान नहीं दिया जाता, ना 5 ग्राम भी कम सामान नहीं दिया जाता, तो अगर अभी कस्टमर आपके पास आता है तो विश्वास करके आपके पास आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए संडे वाले टाइम में, इसके संडे वाले टाइम में मतलब 2 से 3 लाइन लगती है हमारे इधर, ठीक है, जो कि वो एक सप्ते में एक दिन बैठते हैं, मार्केट पूरा ख़राब करके चले जाते हैं, ठीक है। जो डेली लगाते हो कभी 1 ग्राम भी कम नहीं देंगे, हमारे पास आओ, हमारे पास 2 ग्राम भी कम मिला तो 2 ग्राम का डबल पैसे भी देंगे आपको, जो सामान 600 वाला है वो सामान का 4 गुना हम ज़्यादा देंगे,
मतलब कि 6-6, 12-6, 13 2400 रुपये का सामान देंगे आपको, 2 ग्राम का भी फर्क आ गया तो। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात कही, एक कस्टमर को विश्वास दिलाने वाली बात कही कि अगर आपको कुछ भी सामान कुछ भी कम मिलता है तो उसके बदले गोलू भाई कम से कम 2400 रुपये का डिस्काउंट आपको देने के लिए तैयार, वो आपको बशर्ते कि अगर आपको कुछ सामान कम दिया जाएगा तो उस एवज में गोलू भाई आपको इतना सामान और इतना फ्री क्वांटिटी दे देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसे होने की कोई नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हम भी वीडियो बना रहे हैं तो हम भी ऐसे विश्वास वाले आदमी का ही वीडियो बनाएंगे जहाँ पे कस्टमर आए और उसके साथ बिल्कुल धोखा ना हो। तो गोलू भाई बिल्कुल विश्वास पात्र आदमी है, जिसके पास कस्टमर आएगा तो धोखा बिल्कुल भी नहीं होगा और उनको कम से कम रेट पर और बिल्कुल वाजिब दाम पर और बिल्कुल एक्यूरेट सामान तोल के साथ दिया जाएगा। इसके लिए आप चिंता मत, बस आप मेरी दुकान पर आओ, जो भाव वीडियो में बताया है 10 से 5 रुपए कम करवाओ, ज़्यादा मत करवाओ, नहीं तो इसे व्यवहार भी खत्म हो जाता है, फिर मैं दे भी नहीं पाऊँगा, आप ले भी नहीं पाओगे। सर ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 रुपए का फ़र्क आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप जहाँ 600 बता रहा हूँ वहाँ 400 बताओगे तो सर मैं नहीं दे पाऊँगा आपको। बिल्कुल, जो रेट है वो एक्यूरेट बताया जाएगा आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट करके बताया भी नहीं जाएगा कि आप लगभग 50-100 रुपए किलो के पीछे कम कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रेट बताया जाएगा आपको एक्यूरेट, 5-10 रुपए की नॉर्मली सी अगर कोई बात हो तो वो शर्म रख के वो कर लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये सोच के मत आइएगा कि 600 रुपये वाली आइटम हम 400 रुपये में लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सर रेट बढ़िया रहेगा तो चीज़ भी बढ़िया रहेगी। क्योंकि देखिए सर, आपको 400 वाला भी काजू मिलेगा, यहाँ पे 300 वाला भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे यही है कि व्यवहार खराब हो जाएगा फिर। ठीक है, 300-400 वाला काजू तो दे दूंगा लेकिन व्यवहार ख़राब हो जाएगा उससे। पूरी मार्केट में यहाँ पे 400-500 वाला भी काजू मिल जाएगा लेकिन फिर आप व्यवहार ख़त्म होने वाली बात है। ठीक है, आप मेरे पास आओ तो आपको चीज़ बढ़िया मिलेगा। ठीक है, ये मत देखो 600 रुपये में दे रहा हूँ, ये देखो कि आपको चीज़ बढ़िया दे रहा हूँ बस। ठीक है, आप 400-500 के ऊपर जाओगे तो फिर व्यवहार भी ख़त्म, चीज़ भी ख़त्म, यही बात है। नारियल का गोला क्या रेट आ रहा है गोलू भाई अभी? नारियल का गोला सर 200 रुपये किलो, बाकी सामान के साथ लीजिएगा तो आपको कुछ 2-4 रुपये का फर्क हो जाएगा। चलिए, और गोलू भाई वो क्या चीज़ है? वो सर काजू का चूड़ा है, दिखाएंगे ज़रा। ये सर काजू का चूड़ा है जो जिसका होटल है। ठीक है सर, उनकी ग्रेवी में भी जाएगा ये, जो ग्रेवी व्रेवी के लिए लेके जाते हो, सब्जी के अंदर चला जाता है ग्रेवी बनाने के लिए। और ये क्या रेट आ रहा है काजू का टुकड़ा? 160 रुपये किलो, 160 रुपये किलो, यानी कि काजू 600 रुपये किलो है, उसका छोटा टुकड़े में हो गया और वो ग्रेवी में बनाने के लिए काम आ जाता है, तो वो 160 रुपये किलो। बाकी सर मेरे पास मैंगो शेक का भी काम होता है। ठीक है, मैंगो शेक वाले आने चाहे तो मैंगो शेक वाले भी आ सकते हैं, शादी पार्टी वाले आना चाहे तो शादी पार्टी वाले भी आ सकते हैं, जच्चे बच्चे हुए हैं जिसका बच्चा बच्चा हुआ उनका भी सामान देते हैं, सब सामान देते हैं। कोई भी कस्टमर आएगा तो आप उनको बेहतरीन तरीके से पहले ये समझाइए कि क्या सामान किस काम आता है और कितना फ़ायदा होता है उसका, तो उसके लिए कस्टमर अगर आपकी नीड चाहे, आपकी हेल्प चाहे, तो आप उनकी हेल्प बिल्कुल कर दीजिएगा ताकि आप सामान के बारे में बता सके, क्योंकि आपको सामान की ज़्यादा जानकारी है, आप बताएंगे कि इसको खाने से ये होता है। हाँ हाँ, हमारा काम है सर, वो तो बताना पड़ेगा अपने को। ठीक है, बाकी शादी ब्याह में सर आप हमसे रिफाइंड तेल सरसों ये सब भी लेना चाहे तो ये भी मिल जाएगा, आपके घर से 100-150 रुपये 200 रुपये का फ़र्क आएगा। ठीक है, आपका जहाँ 2200 रुपये की टीन मिलती है वो हमारे यहाँ 1900 रुपये की, 2200 की मिली है 1900 मिलेगी, 1800 रुपये मिलेगी। जो आटा आपके इधर 15 रुपये किलो मिल रहा है वो हमारे इधर 8 रुपये किलो 9 रुपये किलो में मिलेगा, ऐसे हिसाब किताब हो जाएगा। ठीक है, सारी आइटम हाँ जी हाँ जी। कस्टमर से यही अपील है कि यहाँ पर खारे बावली पीली कोठी के अंदर आए आप तो यहाँ पे गोलू भाई की शॉप है जो हर एक आइटम रखते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जो गोलू भाई के पास ना मिले। सारा मसाला मिलेगा सर, ड्राई फ्रूट मिलेगी आपको। ठीक है, और सर एक और चीज़, हाँ सर मेरे पास पीसी हल्दी मिर्ची धनिया भी आई है जो कि मार्केट में बहुत कम लोग रखते हैं प्योर वाली। ठीक है, हमारे पास है बिल्कुल प्योर हल्दी मिर्ची धनिया और एक गरम मसाला, आप विश्वास करके ये लेके जाइए, हल्दी और मिर्ची और धनिया, ज़्यादा रेट भी नहीं है सर। जो आपके इधर हल्दी होगा 160 रुपये किलो, हम आपको 100 रुपये किलो में देंगे, वो भी चीज़ देंगे एक नंबर। जो आपके इधर धनिया है 120 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, वो आपको 100 रुपये किलो में मिलेगा। जो मिर्ची 280-300 रुपये किलो में है सर, वो आपको 150 रुपये किलो में मिलेगी पीसी हुई। ठीक है, मिर्ची सर ये आपका तेजा मिर्ची होगा बिल्कुल, हाँ एक कूटी है, कूटी में लेना चाहो तो कूटी में ले लो, पीसी में लेना चाहो तो पीसी में ले लो, चीज़ होगा एकदम प्योर में। ठीक है सर, ये मिर्ची 160 रुपये जो आपके यहाँ 200-280 रुपये किलो में है, बिल्कुल ये होगा चीज़ प्योर। रेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मिलेगा। तो
जो मिर्ची आपको वहाँ पे 280-300 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है, वही मिर्ची 160, और बिना घबराए के वजन के अंदर ये कम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप विश्वास करके यहाँ पे आइए और सामान सस्ते सस्ता और बढ़िया से बढ़िया लेके जाइए। गोलू भाई, ज़रा आपके यहाँ पे आने के लिए कौन सा सबसे पास पड़ेगा वो बताइए। ये सर हिंदूरा का बोर्ड लगा हुआ है, जो जैसे पहले लोकेशन बताया हुआ, ये हिंदूरा का बोर्ड है सर, और ये पहला नो पार्किंग का बोर्ड है सर, ये सामने में ही है, ये पहला नो पार्किंग का बोर्ड है यहाँ पे। ये विनोद भाई ड्राई फ्रूट्स वाले हैं, जो गोलू भाई के पापा है, और उनकी दुकान बिल्कुल सामने, गोलू भाई की दुकान सामने और उनकी दुकान बिल्कुल सामने है। तो आप यहाँ पे आइए और ये पहचान, ये निशानियाँ देखिए और सीधे सीधे यहाँ पे आइए आपको। हाँ जी सर, देखिए अगली बार सर आए थे मेरे पास, उस टाइम मेरे पापा की कार्ड था, इस बार मैंने अपना कार्ड बना लिया, ठीक है सर, गोलू ड्राई फ्रूट, ठीक है। तो बाकी किसी को भी आना हो हमारे शॉप तक, ये ऊपर वाला कॉन्टेक्ट नंबर मेरा है, ठीक है सर, हमारी दुकान पे आइए आप और हमें सेवा का मौका दीजिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, कोई परेशानी नहीं आएगा, ज़्यादा से 10-5 रुपये का फ़र्क हो वो आप करवा लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।